बुराई पर अच्छाई की चीज सुनने जा रही है। जय जोर से बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, बजरंग बली की। जरा जोर लगा के बोलिए अब रावण का दहन होने जा रहा है। गोजरी मेला में आज खड़गपुर एक इतिहास बनाने जा रहा है। फिर से जिसका हाथ उठता है सेल्फी के लिए, आज हाथ उठाइए रामचंद्र के लिए। बोलिए रामचंद्र महाराज की, सीता मैया की, रावण का नाश हो। अशुभ शक्ति के ऊपर शुभ शक्ति का विस्तार होने जा रहा है। देख रहे हैं दूर से पहली बार रिमोट के द्वारा राम का यहाँ पर दहन होने जा रहा है। और देखिए अपने बच्चों को हाथ में देखिए, लग गया है कि मेघनाथ के पेट में तीर का ये आतेर आजाद भास्कर ने ये सुंदर अवलोकन किया है। देख रहे हैं धीरे धीरे कुंभकर्ण के बेटे अभियान में रावण दशानन लंकेश के लंकेश का यहाँ पर रिमोट के द्वारा सभी लोग सभी सभी लोग कैमरे में यह दृश्य कैद कर रहे हैं। उस कैमरे के दृश्य के बीच अपने बच्चों का साथ में रखे पर अच्छाई की जीत आज हुई है। अशुभ शक्ति पर जय हुई है और शुभ शक्ति की जय जयकार हुई है। और रावण का यहाँ पर पुतला का दाह संस्कार चल रहा है साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ। और हम मना रहे हैं विजयोत्सव, विजय दशहरा, चंद दिनों बाद दीपावली की परंपरा की यहाँ पर पर्व होगा। और चंद दिनों बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के 100वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन हम सब जिस तरह हमारे माननीय मंत्री सुगंधी अधिकारी ने जिस तरह हिंदी में अनुवाद किया उनका दिल छूने वाले का अभिवादन, हम खड़गपुर के नागरिक उनका शुक्रगुजार है। और हमारे पूर्व पिता माननीय चेयरमैन मधु सरकार जी का भी हम तय दिल से आलिंगन करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर 3 दिन पुतला कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण का दाह संस्कार चल रहा है। और आज सब नागरिकों को हम आज प्यार भरा आलिंगन करते हैं क्योंकि आज सबों के बदौलत ही इस रावण का 4 चांद लगा है। और लगभग शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और हम दाह संस्कार की करीब प्रक्रिया पूरी हुई। और आज कितने सुंदर वातावरण, इंद्र देवता भी हमारे साथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे साथ हैं और रामचंद्र जिन्हें लंका पति रावण क्रूर का विनाश किया, घमंड का विनाश किया और अच्छाई पर जीत की, इसलिए रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी उनके भक्त हैं और हनुमान जी लंके पर जब पुल बनाकर उस लंका पर रावण के घर पर जाकर सीता का पता लगाया था। देख रहे हैं हमारे ठीक टावर के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, वहाँ पर राम ने और रावण का विनाश करके सीता को अपने घर ले जाएंगे। और दशहरा की गूंज दीपावली में जगमगाता दीपावली हम मनाएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और हमारे पूर्व पिता उनके बिना ये काम अधूरा रहता और उनके साथ आजाद भास्कर और सिविक वॉलंटियर्स प्रशासन उन सबों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन सबों के बदौलत अपने परिवार को छोड़कर, अपने बहनों को छोड़कर, अपने पत्नियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर हम सबों के सुरक्षा में हर कदम हमारे साथ लगे रहते हैं। मैं तमाम डिग्निटरीज को नमन करता हूँ कि उन सबों के बदौलत इतना सुंदर संस्कार और सुरक्षा हमें मिला है। मैं तमाम खड़गपुर के काउंसिलर्स को अभिवादन करता हूँ और दशहरा का आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। मैं आलो सिन्हा जी का भी अभिवादन करता हूँ कि वह हमारे विशेषज्ञ हैं और हमारे चीफ एडवाइजर हैं। होकन भाई जब भी हमारे पूर्व पिता जब कुछ अच्छे कामों में उनकी होड़ हुई, आज यह दिन आप सबों को आप सबों के
ऐसा जमाना है, लोग सब देख रहे हैं, लग रहा चार चार आकाश में तारा नहीं जमीन पे तारा उतर चुका, सभी के मोबाइल में लाइट जल चुके हैं, सभी लोग इस चीजों का वीडियो के कैमरा कर रहे हैं। जमाना एक और था, लोग कहते थे नहीं जी कर दरिया में डाल, जमाना ये है कि जो भी कर फेसबुक पर डाल। सच में ऐसा ही चीज, ऐसा ही दिन हम देखना चाहते थे। खड़गपुर मिनी इंडिया जिस तरह धीरे